Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधे राधे दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, वृंदावन में श्री भयंकर विहारी मंदिर के दर्शन के बाद हमने सीधा जाके इस्कॉन टेम्पल में पहुंचे। शाम के टाइम में वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए हमको लाइन में जाना पड़ा। शाम के टाइम में मंदिर में लगी कलरफुल लाइट की वजह से मंदिर का एक खूबसूरत व्यू आती है। मंदिर के गेट एंट्री करते ही वहां पे एक शू स्टैंड है, जहां पे टूरिस्ट और भक्त लोग अपने शू फ्री में रख सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में शाम के टाइम में हर जगह पे भजन कीर्तन से पूरा मंदिर परिसर गूंजती रहती है। इस्कॉन के द्वारा ये मंदिर बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम इस्कॉन टेम्पल है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है कृष्णा बलराम टेम्पल। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और हरे कृष्णा मूवमेंट, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी मंदिरें बनवाती है और उनकी बातों को लोगों तक पहुँचाती है। मंदिर के एंट्रेंस के थोड़ी देर बाद ये जो मूर्ति है, इनका नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद। ये इस्कॉन के फाउंडर है। वृंदावन में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैक्सिमम मंदिर व्हाइट कलर का है। व्हाइट में जो भी कलर डाला जाता है वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए मंदिर में खूबसूरत एलईडी बॉल और चुन्नी बॉल की इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खूबसूरत व्यू देती है। इस्कॉन टेम्पल परिसर में टोटल 3 मंदिर है। चलो पहले राधा कृष्ण के दर्शन करके आते हैं। शाम के टाइम में वहाँ पे आरती होती है और दिया जलाया जाता है। हमने वहाँ पे दिया जलाए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना किया। यहाँ हर कोई हरे कृष्णा हरे रामा के ध्वनि में लीन हो गया है। यह है सेकंड मंदिर। इसका डोर बंद है। मंदिर के वॉल में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ बहुत सारे गुरु को मूर्ति गोल्डन कलर में बनाया गया है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कोलकाता से हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बातों को और ज्ञान को किताब और प्रवचन के माध्यम से पूरी दुनिया भर के लोगों के पास पहुँचाए। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस्कॉन आज के डेट में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। इस्कॉन भारत देश के अलावा बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी है, जिसकी वजह से फॉरेनर लोग हमारे देश की कल्चर ईस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत मूर्ति है और बहुत सारे फूल रखा गया है। ये थी सेकेंड टेम्पल। थर्ड टेम्पल एक म्यूजियम टाइप का है, वहाँ तक स्टेयर से जाना पड़ेगा। तीसरे मंदिर के एंट्री पे यहाँ पे 4 गुरुओं की मूर्ति है। पहले ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके साइड में उनके गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, फिर उनके साइड में उनके गुरु गौरव किशोर दास बालाजी महाराज, और उनके साइड में उनके गुरु श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब गुरु के गुरु के गुरु के गुरु। वॉल में बहुत सारे गुरुओं के वाणी और उनके फोटोज को लगाया गया है, सबको फ्रेम करके लगाया गया है। यहाँ मूर्ति के माध्यम से इंसान के जन्म से मृत्यु तक लाइफ साइकिल को कृष्ण की वाणी के साथ एक्सप्लेन किया गया है।
यहाँ पे बहुत सारे किताब भी है। मंदिर परिसर में हर कोई कृष्ण के प्यार में झूम रहा है। बच्चों से बूढ़ा तक हर कोई खो गया है इस धुन में। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। ये ना मोमेंट है भाई, खो जाओ यहाँ। तो अभी वृंदावन और मथुरा की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट वीडियो प्राम मंदिर और गिरी गोवर्धन पर्वत और बहुत सारे टेंपल के बारे में होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मंदिर के वॉल में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सारे पेंटिंग बनाए गए हैं।